हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। कोरोना वायरस एक डेडली वायरस है जो कि चाइना के वुहान सिटी में इसका ओरिजिन हुआ था। ये चाइना के मीट मार्केट से पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसमें कई लाख लोग मारे गए। यू कैन सी द वायरस क्लासिफिकेशन एज इट बिलोंग फ्रॉम फाइलम इंसर्टिसिडीज। आप देख सकते हैं इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन की आउटर कवरिंग जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है, और बाहर स्पाइक्स भी पाए जाते हैं। जैसा कि ये एक वायरस है जो कि बिना लिविंग सेल के एक डेड पार्टिकल के रूप में है। जब तक इसे लिविंग बॉडी नहीं मिलती तब तक ये रेप्लिकेट नहीं करता, और इसका आरएनए इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर, हाउ इट इज सीन। अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं की गई है। इसका प्रोटेक्शन ही इसका प्रिवेंशन है। यू कैन सी डूज एंड डोंट्स इन दिस चार्ट। जैसे कि हम जानते हैं अभी तक इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं खोजी गई है। आप इसको केवल सेल्फ केयर से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग भी मस्ट है जिससे आप इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है, जिससे उसे छींकने या उसकी इन्फेक्टेड चीज़ें इस्तेमाल करने से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चला जाता है। मोस्टली ये वायरस आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। हवा या फिर हाथ के जरिए आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते ही ये लंग्स की सेल में पहुंच जाता है और वहां की सेल को डिस्ट्रॉय करना चालू करता है। लंग्स की सेल में ये अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए इंजेक्ट कर देता है और रेप्लिकेशन चालू हो जाता है, जिससे इसकी संख्या बढ़ती ही जाती है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और कई सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में रेप्लिकेट करना चालू करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है, जिससे इस वायरस को किल किया जा सके। और जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तब हमें सिम्टम्स समझ में आते हैं, जैसे फीवर, स्नीजिंग, हेडेक एक्सेट्रा। अभी तक देखा जाए तो ये 649 टोटल इन्फेक्टेड लोग हो चुके हैं इंडिया में। इन पॉइंट्स को पढ़ के आप समझ सकते हैं वायरस का स्ट्रक्चर कैसे करता है शरीर में ये एंट्री, और कैसे ये हमारे शरीर में डिफरेंट स्टेजेस में फैलता है, और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स देता है इसको। हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें इस डिजीज से बचा सकता है, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपने हाथों को हर घंटे धुलने चाहिए, जिससे इसके संक्रमण को रोका जा सके। आप देख सकते हैं इसके लक्षण और बचाव के उपाय। इस वायरस का जिक्र एक 12th की किताब में भी किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।